स्वागत है स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टेलीविज़न पर आसान शब्दों में निबंध। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। टेलीविज़न 20वीं सदी के महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। आज यह रेडियो की तरह ही सर्वप्रिय है। टेलीविज़न मनोरंजन एवं शिक्षा का बड़ा ही अच्छा एवं स्वस्थ साधन है। टेलीविज़न के कारण विश्व संकुचित हो गया है। हम लोग सैकड़ों एवं हजारों किलोमीटर दूर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं घटनाओं को अपनी आँखों से देख सकते हैं। इस तरह टेलीविज़न व्यापक संचार का शक्तिशाली माध्यम है। भारत में टेलीविज़न का प्रचार सितंबर 1959 में हुआ। टेलीविज़न का पहला कार्यक्रम स्कूलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। अप्रैल 1976 में टेलीविज़न को ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। टेलीविज़न का संगठन दूरदर्शन कहलाया। नवम एशिया खेल दिल्ली में नवंबर 1982 में हुआ था। दूरदर्शन ने उस समय कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण किया। टेलीविज़न भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लाभदायक है। हम लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। हमारे यहाँ के किसान शिक्षित नहीं हैं, उन्हें कृषि की वैज्ञानिक विधि की जानकारी नहीं है। टेलीविज़न से इस क्षेत्र में सहायता मिल सकती है। इससे किसानों को शिक्षित किया जा सकता है। इस तरह हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम लोग छोटे परिवार के लाभ दिखाने के लिए टेलीविज़न का प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा सारे देश के लोगों को परिवार नियोजन के संबंध में उचित शिक्षा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के प्रसार के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। हमारे टेलीविज़न प्रसारण का उद्देश्य राष्ट्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करना है। भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म संस्कृति तथा भाषाएं हैं। टेलीविज़न के द्वारा देश की संस्कृति एकता स्थापित की जा सकती है। टेलीविज़न प्रसारण द्वारा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास कर सकते हैं। टेलीविज़न के मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य आनंद प्रदान करना भी है। टेलीविज़न प्रसारण के बहुत से कार्यक्रम हमारे मनोरंजन के लिए ही होते हैं। चित्रहार सबसे मनोरंजक कार्यक्रमों में से एक है। कभी कभी खेलकूद का भी प्रसारण किया जाता है। हमारे लिए टेलीविज़न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका दाम भी कम हो गया है। इन दिनों लोग रंगीन टेलीविज़न ही अधिक पसंद करते हैं। हम लोगों में से बहुत लोग काला और उजला सेट पसंद नहीं करते। टेलीविज़न का कार्यक्रम भी स्तरीय हो रहा है। ये थे टेलीविज़न पर आसान शब्दों में निबंध। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।